नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान होता है, ऐसा ही एक रक्तदान शिविर कार्यक्रम श्रीमती दुर्गा शांडिल्य जी की 8वीं पुण्य स्मरण के अवसर पर करुणाधाम आश्रम भोपाल में शनिवार को आयोजित किया गया। गुरुदेव श्री सुदेश शांडिल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उमा शरण गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारी संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की व उनके साथ उनके अनुभव साझा किए। नमस्कार, मैं रितिका तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज। आज हम मौजूद हैं करुणा धाम में, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कि उन्हें ब्लड डोनेट करके ये अच्छा काम करके कैसा लग रहा है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? समीर मेहरा। आप करुणा धाम से कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को, मैं तो बाय बर्थ से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 47 ईयर हो गए हैं। अच्छा, तो आपने जैसे इस बार ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी, ब्लड डोनेट किया माता जी की पुण्यतिथि पर। जी, तो आप हर साल डोनेट करते हैं या फिर? जी हाँ, यहाँ पे तो माता राम की पुण्यतिथि पे हर साल करते हैं। और इसके अलावा जब भी हमने ब्लड डोनेट किया है, उसके पीछे जो विचार रहे हैं वो करुणा धाम आश्रम के ही रहे। गुरुदेव जी ने हमको बोला है कि जब भी मौका मिले कम से कम ये पुनीत कार्य से अपने को वंचित नहीं रहना है, अपने को इसका लाभ उठाना है। तो ये तो एक बहुत ही आवश्यक चीज़ भी है और बहुत पुण्य काम भी है, तो ये तो करते रहना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए डोनेशन। ये जो डोनेट हो रहे हैं ब्लड, फिर ये ब्लड का क्या इस्तेमाल होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आजकल बीमारियाँ हैंगे हॉस्पिटल्स में। तो अपने इंडिया में तो देखा गया है कि हमेशा ब्लड की कमी ही रहती है। कुछ ऐसे रेयर्स ग्रुप हैं जिनकी अवेलेबिलिटी भोपाल में आज की तारीख में भी बहुत कम हैगी। हम तो सबको, यूथ को ये तो अपील करूँगा मैं कि रेगुलर बेसिस पे कम से कम साल में 2 बार तो ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए सभी लोगों को। धन्यवाद सर। नमस्कार, तो हमारे साथ यहाँ पे सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आप करुणा धाम से कब से जुड़े हैं? मुझे लगता है कि 10-12 साल हो गए हैं। आध्यात्मिक केंद्र में सेवा कार्य कैसे जोड़े जा सकते हैं, ये इस केंद्र की विशेषता है। आदरणीय शांडिल जी महाराज, जिनके नेतृत्व में सारा गतिविधि यहाँ चलती है। आध्यात्म का तो बहुत बड़ा केंद्र है ही, समाधान केंद्र है। गौशाला, अन्नाश्रम, वृद्धाश्रम, ये इस प्रकार के सेवा कार्य हैं जो अगर हमारे बड़े बड़े आध्यात्म के जो केंद्र हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ ये सब संचालित होने लगे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ पवित्र मन से जो काम किया जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा भी उसमें होती है और उसमें सफलता अधिक मिलने की संभावना रहती है। आज यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि जो भी रक्तदाता आ रहे हैं उनके मनोभाव, आत्मिक संतोष, ये स्थान की विशेषता है। जी, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, आप जो रक्तदान शिविर चल रहा है इसके बारे में? देखिए, रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त पैसे से बनाया नहीं जा सकता। और जिस मरीज का इलाज रक्त से ही हो सकता है, उसके लिए तो रक्तदाता भगवान के बराबर है। और पहले जो भ्रांतियाँ थी, अब वो दूर भी हुई हैं। पहले खून देने में आदमी घबराता था, लगता था मेरे शरीर का खून कम हो जाएगा, क्योंकि इस बात पर उसको भरोसा नहीं होता था कि रक्त बनता रहता है। लेकिन अभी जागृति भी बढ़ी है और इसके कारण आप देखते होंगे कि रक्त की पूर्ति होने के कारण कई जीवन बचाए जाते हैं। तो सेवा का बहुत बड़ा विकल्प है, मानता हूँ। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे उमा शंकर सर। नमस्कार, आपका नाम? मानसी पारे। आप करुणा धाम से कब से जुड़े हो? मैं अपने लगभग जन्म से ही जुड़ी हुई हूँ यहाँ से, मेरा जन्म यहीं का है। तो आपने इस बार ब्लड डोनेट किया? मैं अब ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया था। तो आप कितने साल से ब्लड डोनेशन में? पिछले साल मेरा फर्स्ट टाइम था, दिस इज़ माई सेकेंड। अच्छा, तो कैसा लगता है ब्लड डोनेट करके? एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, थोड़ा सा एक डिफरेंट अनुभव होता है, यूजुअल से अलग। पहले तो हम सब खाते हैं, किसी के लिए कुछ देना इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। जो आप ब्लड डोनेट करते हो वो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ जाता है? ये एम्स की टीम रहती है, एम्स की टीम अपने साथ अपना एक ब्लड बैंक जो रखती है, उसमें ये ब्लड जाते हैं। और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको जैसा ग्रुप का ब्लड चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, वैसे उन्हें अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू।